आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। आज का ये वीडियो सारे एच एस सी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में हम सेक्शन 4 का सेकेंड चैप्टर 4.2 टू सर्व विद लव कवर करने वाले हैं। इन वन शॉट आपको ये पूरा नॉवल समझ में आ जाएगा इस वीडियो के हेल्प से। अगर आप ये पूरा वीडियो अच्छे से सुनते हैं एंड तक, तो आप इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आएंगे वो बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं और उसके आंसर्स कैसे आपको लिखने हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर्व विद लव ER ब्रेथवेट द्वारा लिखी गई एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल एक ऐसी नॉवल होती है जिसमें ऑथर अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर करते हैं। तो इसमें ER ब्रेथवेट ने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए हुए हैं। वो एक इंजीनियर थे जो ऑयल रिफाइनरी कंपनी में काम किया करते थे। जब तक वो ऑयल रिफाइनरी कंपनी में काम कर रहे थे तब तक सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। वो एक ब्रिटिश सिटीजन थे जो ब्रिटिश गुयाना में रहा करते थे। अब ऑयल रिफाइनरी कंपनी का जॉब उनको छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन किया। उस टाइम पे इंग्लैंड में वॉर 2 चालू था, तो अपनी कंट्री को सर्व करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स ज्वाइन किया। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में उनको एंट्री दी गई उनका हाइट और बॉडी देख के। जब वो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स में सर्व कर रहे थे, जॉब कर रहे थे, तब उनकी बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी में रिस्पेक्ट और स्टेटस था और वो बहुत ज़्यादा खुश थे उस टाइम पे। जब जैसे ही वॉर 2 ख़त्म हुआ तो ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स का जॉब उन्हें छोड़ना पड़ा और वॉर 2 का जो आफ्टर इफेक्ट था सबसे बुरा वो था रेसिज्म का। रेसिज्म मतलब आपका स्किन कॉम्प्लेक्शन देख के आपसे डिस्क्रिमिनेशन किया जाए। तो ER ब्रेथवेट का जो स्किन कॉम्प्लेक्शन था वो डार्क था, जिसकी वजह से उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। ब्रिटिश सिटीजन होने के बाद भी उन्हें आउटसाइडर कंसिडर किया जा रहा था और उन्होंने इतना डिस्क्रिमिनेशन सहन किया था जिसकी वजह से उनके अंदर एक नफरत की भावना आने लगी सारे वाइट लोगों के लिए और ब्रिटिशर्स के लिए। अब उन्हें अगर जॉब ढूंढने जाते वो तब भी उन्हें इंटरव्यूज़ में डिस्क्रिमिनेट होना पड़ता, क्योंकि वो उनका स्किन कॉम्प्लेक्शन डार्क था, उनके डिग्रीज़ को ना कंसिडर करके उनके स्किन के कलर को कंसिडर किया जाता था। अब वो अपने गर्लफ्रेंड के साथ होटल में खाना खाने जाए या कहीं पे अपने लिए घर देखने जाए या बस में ट्रैवल करें, हर जगह उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ही उदास रहने लगे थे। अब उनके पास कोई जॉब नहीं था। जैसे तैसे उन्हें एक जॉब मिलता है ग्रीन स्लेट स्कूल में, टीचर का जॉब मिलता है, जहाँ पे वो हमसे अपना टीचिंग एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जहाँ पे उन्हें जॉब मिला है वो लंदन का लो ईस्ट एरिया है, एकदम राउडी एरिया है, तो वहाँ के, जाहिर सी बात है, वहाँ के स्टूडेंट्स भी वैसे ही होंगे। तो जैसे ही ER ब्रेथवेट अपने स्टूडेंट्स को क्लास में पढ़ाने जाते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि उनके स्टूडेंट्स बहुत ही बदतमीज, एरोगेंट और अनरूली हैं। बॉयज़ तो बॉयज़, गर्ल्स भी वहाँ पे अनलेडी लाइक मैनर में बिहेव करते हैं, मतलब बदतमीज़ी से बिहेव करते हैं। तो ER ब्रेथवेट ने जब वो बदतमीज़ी करने लगे तो उन्हें डांटा, वर्बली स्कोल्ड किया, गर्ल्स को ये बोला कि तुम अनलेडी लाइक मैनर में बिहेव करते हो, उन्हें बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, बट स्टूडेंट्स का बिहेवियर चेंज नहीं हुआ ER ब्रेथवेट के द्वारा। तो ER ब्रेथवेट ने ये सोचा कि वो अपने बिहेवियर को, अपने वे ऑफ टीचिंग को चेंज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, स्टूडेंट्स को उन 4 वॉल से बाहर लेके जाने लगे, उनका कल्चरल एक्सपोजर बढ़ाया, उनको फील्ड ट्रिप्स पे लेके गए, म्यूजियम थिएटर्स विजिट किए और जितने भी स्टूडेंट्स उनके क्लास में थे वो उन्हें रिस्पेक्ट से बुलाने लगे। जो भी फीमेल स्टूडेंट्स थे उन्हें वो मिस कह के बुलाने लगे। स्टार्टिंग में तो स्टूडेंट्स को ये सब बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड और बकवास लगा, बट धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स के बिहेवियर में भी चेंज आया और स्टूडेंट्स भी उनकी तरफ अच्छे से बिहेव करने लगे। अब वो जो स्कूल है ग्रीन स्लेट स्कूल, उस स्कूल का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ करता था जो था हाफ ईयरली रिपोर्ट बाय स्टूडेंट काउंसिल। ये इवेंट प्योरली स्टूडेंट्स का था तो इसे स्टूडेंट्स ही संभाला करते थे और इस इवेंट में स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से रेडी होके आया करते थे। इस इवेंट में हर एक क्लास अपने रिप्रेजेंटेटिव के हेल्प से ये बताता था कि वो हाफ ईयर में उन्होंने क्या पढ़ा है और क्या समझा है, क्या सीखा है। और उस हाफ ईयरली इवेंट में एक पैनल बिठाया जाता था 3 टीचर्स का, जिनको अगेन स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट किया करते थे। वो पैनल रिस्पॉन्सिबल होता था कि स्टूडेंट्स के क्वेरीज को आंसर करने के लिए।
उस पैनल में 3 टीचर्स को सिलेक्ट किया गया था और वो 3 टीचर्स में से एक थी मिस फिलिप्स, दूसरे टीचर थे डॉक्टर वॉटसन और तीसरे टीचर थे डेल इवेंस। ब्रेथविट का जो क्लास था वो सबसे हाईएस्ट क्लास था, हाई क्लास था, तो उन्होंने सबसे लास्ट में प्रेजेंट किया और ईआर ब्रेथविट के स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, जिसमें से मिस जोसेफ आई और उन्होंने कॉमन थीम के बारे में एक्सप्लेन किया। कॉमन थीम था उस टाइम पे इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड। पॉटर ने मैथ के बारे में बात किया, मिस पैग एंड जैक्सन ने ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के ऊपर बात की, डेयर एंड फेरमैन ने फिजियोलॉजी एंड ह्यूमन स्केलेटन दिखा के ये बताया, फेरमैन ने ह्यूमन स्केलेटन दिखा के ये बताया कि किस तरीके से सारे इंसान अंदर से सेम हैं। मिस डॉड ने हिस्ट्री के ऊपर बात की और मिस जोसेफ ने डोमेस्टिक साइंस के ऊपर बात की। अब ये जो इवेंट पूरा हो रहा था उसका मेन ऑफिशियल था डेनिम, जो कि ईआर ब्रेथविट का स्टूडेंट था, ये एक एथलीट था और पीटी और गेम्स का ऐसे बहुत ही अच्छा नॉलेज था। तो ये हमने देखा स्टोरी ऑफ टू सर्व विद लव। अब हम इसके कैरेक्टर्स डिटेल में समझेंगे। पहला कैरेक्टर है हमारा गिलियन ब्लैंचर्ट, ये एक टीचर थी ग्रीनस्लेट स्कूल में, बहुत ही अच्छी फ्रेंड बन चुकी थी वो ईआर ब्रेथविट की। जब भी ईआर ब्रेथविट फील्ड ट्रिप्स पे जाया करते थे, म्यूजियम्स और थिएटर्स पे जाया करते थे स्टूडेंट्स के साथ, तो ये उन्हें अकम्पनी किया करती थी। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है डेल इवेंस का, जो एक होम साइंस टीचर थी, बहुत ही अच्छा नेचर था इनका, ये स्टूडेंट से बहुत रिस्पेक्टफुली बिहेव किया करती थी। उनकी ये आदत को ईआर ब्रेथविट ने भी अडॉप्ट किया और अपने स्टूडेंट्स में बहुत अच्छा चेंज लाया। वो सबसे बहुत अच्छे से बात किया करती थी, एक अच्छी कैरेक्टर थी। मिस्टर फ्लोरियन जो स्कूल के प्रिंसिपल थे, वो सबसे एल्डर थे बट बहुत ही ज़्यादा एनर्जी था उनमें, बहुत ही एंथुसियास्टिक पर्सन थे। इस प्रोग्राम को हाफ ईयरली रिपोर्ट को स्टार्ट भी उन्होंने किया था और एंड भी उन्होंने किया था। स्टार्ट करते समय उन्होंने स्टूडेंट्स को स्कूल के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन समझाए थे और हर एक स्टूडेंट को ये बोला था, हर एक स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबल है स्कूल को आगे लेके जाने में, और एट दी एंड उन्होंने स्टूडेंट को अप्रिशिएट किया और मोटिवेट किया आगे और अच्छा परफॉर्म करने के लिए। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस पेमिला डेयर, जो ईआर ब्रेथविट की एक स्टूडेंट थी। अब इसने इंटरचेंज ऑफ नॉलेज और ह्यूमैनिटी के ऊपर बात की, किस तरीके से एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर कोई ना कोई चीज़ के लिए डिपेंडेंट रहता है। अब इसका जो स्पीच है, इसका जो प्रेजेंटेशन है, वो फेरमैन के प्रेजेंटेशन के बाद हुआ था, तो थोड़ा सा डल लग रहा था क्योंकि फेरमैन का प्रेजेंटेशन बहुत ही अट्रैक्टिव था, बट देन टू इसने अपना प्रेजेंटेशन पूरा कम्प्लीट किया था। डेनिम ईआर ब्रेथविट के क्लास का एक स्टूडेंट था, बाकी स्टूडेंट्स जैसे ये भी रूड और डिसरेस्पेक्टफुल था ब्रेथविट की तरफ, बट ब्रेथविट के टीचिंग के वजह से डेनिम में बहुत सारे चेंजेस आए, उसमें पेशेंस डेवलप हुआ, उसमें एक मैच्योरिटी आई, जिसके वजह से वो अब ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन दूसरों को रिस्पेक्ट से बुलाने लगा। जब डेनिम ने ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन एज अ सीआर दूसरों को रिस्पेक्ट से बुलाया, तो सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए और ये फील करने लगे कि डेनिम में बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। वो एक ट्रेंड बॉक्सर था जिसने एक कंप्लेन रेज किया था कि स्कूल में पीटी और गेम्स के लिए प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं, जिस पे उसने बहुत ही क्लेवरली और बहुत ही ब्लंटली अपने डाउट्स रखे। एक नेचर वाइज वो एक कॉन्फिडेंट बंदा था। नेक्स्ट कैरेक्टर है फेरमैन का, जो एक कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर है, जिसने हाफ ईयरली रिपोर्ट के सीरियस सिचुएशन को ह्यूमर में बदल दिया और उसने ये लोगों को समझाया कि कैसे सारे ह्यूमंस आर सेम। एक स्केलेटन को प्रेजेंट करते उसने लोगों से ये पूछा कि क्या कोई बता सकता है ये स्केलेटन कौन से कंट्री को बिलोंग करता है, जिससे उसने ये कंक्लूड किया कि ह्यूमंस जो है वो अंदर से सब सेम हैं। तो ब्रदरहुड को और मैनकाइंड एंड इंटरडिपेंडेंसी अमॉन्ग वर्ल्ड नेशंस, इसको इम्पोर्टेंस देते हुए उसने लोगों को ये समझाया कि हम सबको एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। वन बाय वन पॉटर, सेपियानो, जैक्सन, मिस पेग, उन्होंने भी अपने रिपोर्ट्स प्रेजेंट किए अपने सब्जेक्ट पे और ये बताया कि उन्होंने किस तरीके से लेसन्स को डीपली समझा है। मिस जोसेफ ब्रेथविट के क्लास की एक स्टूडेंट थी,
डेनिम के साथ मिलके मिस जोसेफ ने हाफ ईयरली रिपोर्ट के इवेंट को होस्ट किया था। सारा इवेंट स्मूथली जाए इसलिए उसने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। ब्रेथविट के क्लास का जब रिपोर्ट प्रेजेंट करने का चांस आया तो सबसे पहले मिस जोसेफ ने ही इंट्रोड्यूस किया क्लास का थीम, और उसने ये इंट्रोड्यूस किया कि क्लास का थीम क्या था। क्लास का थीम था ब्रदरहुड एंड इंटरडिपेंडेंसी ऑफ मैनकाइंड। वो नेचर वाइज बहुत ही कॉन्फिडेंट थी और बहुत अच्छे से डोमेस्टिक साइंस के ऊपर उसने अपना स्पीच डिलीवर किया था। नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस फिलिप्स का, जो ग्रीन स्लेट स्कूल में एक टीचर थी। पैनल पे जो तीन टीचर्स बिठाए गए थे स्टूडेंट्स की क्वेरी सॉल्व करने के लिए, उनमें से एक मिस फिलिप्स थी। उन्हें ब्रेनलेस एंड अनइंटेलिजेंट टीचर कंसिडर किया जाता था, बट जैसे ही स्टूडेंट्स का क्वेश्चनिंग और डाउट्स स्टार्ट हुए तो ये क्लियर हो गया कि मिस फिलिप्स बेस्ट इन्फॉर्म्ड टीचर थी उन तीनों में से, क्योंकि उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली टैक्टफुली सबको इम्प्रेस करते हुए स्टूडेंट्स के डाउट्स सॉल्व किए। डेनिम ने और फर्मेल ने जो क्रिटिसिज्म किया और जो कॉन्फिडेंटली डाउट्स रेज किए, उसे बहुत अच्छे इंटरेक्शन करके कामली हैंडल करके उन्होंने आंसर किए। नेक्स्ट हम समझेंगे थीम ऑफ द नॉवल। एग्जाम में आने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन द थीम ऑफ द नॉवल 4.2 टू सर विद लव। तो इस नॉवल का प्राइमरी थीम है स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप, जहाँ पे ये बताया गया है किस तरीके से कुछ एरोगेंट डिसरेस्पेक्टफुल इल मैनर्ड स्टूडेंट्स को उन्होंने चेंज किया, कैसे उन्होंने उस मैनर्ड स्टूडेंट्स को, बैड बिहेवियर स्टूडेंट को, अपने पेशेंट और टॉलरेंस के हेल्प से, अपने चेंज बिहेवियर के हेल्प से उनको भी चेंज किया, किस तरीके से उन्हें वो सही डायरेक्शन में लेके गए और आगे जाके एक अच्छा स्टूडेंट बनाया, ये बताया गया है। दूसरा थीम है इस नॉवल का रेसिज्म एंड प्रिजुडिस, जिसमें ये बताया गया है किस तरीके से स्किन कॉम्प्लेक्शन को के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन किया गया, इस तरीके से रेसिज्म के वजह से ऑथर ने ईआर ब्रेथविट ने बहुत कुछ सफ़र किया, जिसके वजह से उनके अंदर एक हेट्रेड का फीलिंग डेवलप हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है सेंस ऑफ बीट्रेल, किस तरीके से रॉयल ब्रिटिश एयरफोर्स से उन्हें निकाल के एक आउटसाइडर कंसिडर किया। आई होप आपको 4.2 बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ये 4.2 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे वो कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस होंगे, और इन सारे क्वेश्चंस को मैंने बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया हुआ है और एक्सप्लेन भी किया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, अगर आपने उस लिंक को क्लिक किया और वो वीडियो देखा तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड मिल जाएंगे और उनके आंसर्स भी मिलेंगे जो मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम 4.3 करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।